आप सभी ने रात में चांद तारों को देखा होगा और सबके मन में अलग अलग ख्याल भी आए होंगे। शायद ये भी सोचा होगा कि अंतरिक्ष में और क्या क्या है। इसी सोच ने जन्म दिया हमारी सबसे पुरानी विज्ञान की शाखा खगोल विज्ञान को, जिसमें हम ब्रह्मांड के बारे में जानते समझते हैं। आइए हम इसकी शुरुआत करें अपने ही सौर परिवार से, जिसमें हम रहते हैं। तो चलिए ब्रह्मांड की सैर पर। ग्रीष्म ऋतु की रातों में आकाश में एक दूधिया पट्टी दिखाई देती है, इसे आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा से दूर अंतरिक्ष में ऐसी कई आकाश गंगाएं फैली हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा के एक छोर पर स्थित है। आकाश गंगा में ऐसे असंख्य तारे हैं, इनमें से एक तारा सूर्य है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सौर परिवार में 8 ग्रह और उनके उपग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड हैं। ये ग्रह और उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए उससे प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की आकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं और अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये कभी आपस में नहीं टकराते। इन ग्रहों का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बुध यह सूर्य के सबसे पास है और हमारे चंद्रमा से कुछ ही बड़ा है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। कभी कभी यह सुबह और शाम क्षितिज पर दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे पृथ्वी के दिनों के अनुसार 88 दिन लगते हैं। शुक्र यह सबसे अधिक चमकदार ग्रह है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। यह आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 225 दिन लग जाते हैं। पृथ्वी इस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसे जीवित ग्रह भी कहते हैं। इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। मंगल यह लाल रंग का ग्रह है। इसके 2 उपग्रह हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लग जाते हैं। बृहस्पति आकार में यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 63 उपग्रह हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। शनि यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 62 उपग्रह हैं। इसके आसपास प्रकाश वलय यानी गैसी छल्ला होने से सबसे सुंदर दिखाई पड़ता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 29 वर्ष 6 महीने लग जाते हैं। यूरेनस यूरेनस को हम अरुण भी कहते हैं। यह शनि से कुछ बड़ा है। इसके 27 उपग्रह हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 84 वर्ष लग जाते हैं। नेपच्यून यह यूरेनस से छोटा ग्रह है। नेपच्यून को हम वरुण भी कहते हैं। इसके 13 उपग्रह हैं।
सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग 165 वर्ष लग जाते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका अक्ष 23.5 अंश झुका है, जो कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। सभी ग्रह अपने अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी से आकार में 1/4 है। इस पर न जल है न वायु। पृथ्वी पर वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल पाए जाते हैं। इस कारण पृथ्वी पर जीवन और वनस्पति का विकास हुआ है, इसलिए पृथ्वी को एक जीवित ग्रह भी कहते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि हमारे सौर परिवार का मुखिया दिन रात जलकर हमें रोशनी देता रहता है, लेकिन कभी कभी इस पर भी काली छाया पड़ जाती है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जिसमें चंद्रमा अपने कक्ष में घूमता हुआ पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य आ जाता है। पृथ्वी के उन भागों से सूर्य दिखाई नहीं देता जहां पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। पृथ्वी के सभी भागों से ये ग्रहण दिखाई नहीं देते। पृथ्वी के उन भागों में सूर्य बिल्कुल नहीं दिखाई देता जो चंद्रमा की पूर्ण छाया में होते हैं। वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इस समय आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। कल्पना करें, आप पृथ्वी से बहुत ऊपर ब्रह्मांड के किसी हिस्से से सूर्य ग्रहण देख रहे हैं। आपको पृथ्वी का एक हिस्सा और चंद्रमा की सतह बहुत करीब से दिखाई पड़ रही है। आप देख रहे हैं सूर्य पूरी तरह चंद्रमा से ढका हुआ है। इस परिस्थिति को कोरोना कहते हैं। अब हमें डायमंड रिंग जैसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। साथ ही धीरे धीरे आपको सूर्य के विभिन्न कलाएं दिखाई दे रही हैं। अब इसी घटना को आप धरती पर से देख रहे हैं। यह बात ध्यान में रखें कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखा जाना चाहिए।